नमस्कार, निर्माण IAS में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बजट स्पेशल भाग एक। इसके सभी आंकड़े हमने सरकारी वेबसाइट से लिए हैं, साथ ही निर्माण IAS के भी कुछ इनपुट इसमें शामिल हैं। हम इसे तीन भागों में लेकर आएंगे। भाग एक में बजट संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मूल अवधारणाओं के साथ अंतरिम बजट के कुछ बिंदुओं को शामिल किया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। बजट यह दस्तावेज भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ साथ राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटों को दर्शाता है। इस दस्तावेज में कर राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ साथ प्राप्तियों और खर्चे का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा राजस्व सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरित किए गए साधनों का भी ब्यौरा दिया जाता है। राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों, जमा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय के बीच का अंतर है। यह सरकार की कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है। राजस्व घाटे का अर्थ राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होना है। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे तथा पूंजीगत अस्थियों के सृजन के लिए अनुदानों के बीच का अंतर है। प्राथमिक घाटे को ब्याज भुगतान घटाकर राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है। आइए देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत प्रदत्त एक दस्तावेज है, जिसमें वर्ष 2018-19 के अनुमानों के साथ ही वर्ष 2017-18 के वास्तविक व्यय के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों को दिखाया जाता है। प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला, भारत की संचित निधि जो अनुच्छेद 266 में है। दूसरा, भारत की आकस्मिकता निधि जो अनुच्छेद 267 में है। तीसरा, लोक लेखा जो अनुच्छेद 266 में वर्णित है। यह दस्तावेज भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ साथ राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटे को दर्शाता है। आइए देखते हैं संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। पहला, संचित निधि में सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्त धनराशियां मिलकर संचित निधि का रूप लेती हैं। संसद की स्वीकृति के बिना इस निधि से कोई भी रकम नहीं निकाली जाती है। दूसरा, आकस्मिकता निधि, यह अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है, जो किसी अप्रत्याशित व्यय हेतु संसद की स्वीकृति मिलने तक पूरा करने में सहूलियत देती है। इससे जितनी राशि स्वीकृत की जाती है उसे वापस संचित निधि से निकालकर आकस्मिकता निधि में डाल दिया जाता है। इसकी वर्तमान राशि 500 करोड़ रुपए है। तीसरा, लोक लेखा, सरकार द्वारा ट्रस्ट में धारित धनराशियों को लोक लेखे में रखा जाता है। भविष्य निधियों, लघु बचत संग्रहणों, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर सरकार की आय अन्य विशेष निधियां आदि लोक लेखे में रखी जाती हैं। चौथा, राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा इन राजस्वों को पूरा किए जाने वाला व्यय शामिल होता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। कर राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों व शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निवेशित पूंजी पर ब्याज लाभांश तथा सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों के संचालन व्यय, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज भुगतान करने, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान आदि शामिल होते हैं। राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनसे किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है। ऐसे राजस्व व्यय जिनसे किसी पूंजीगत संपत्ति का सृजन हो को राजस्व व्यय में से घटा दिया जाता है। पांचवा, पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां व पूंजीगत भुगतान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए ऋण, राजकोषीय हुंडियों के जरिए सरकार द्वारा RBI या अन्य पक्षों से लिया गया ऋण, विदेशी ऋण, विनिवेश प्राप्तियां तथा राज्य क्षेत्रों से ऋण की वसूली शामिल है। पूंजीगत व्यय में मशीन भवन पर व्यय, शेयरों में लगाई पूंजी, राज्य कंपनियों निगमों को दिया गया ऋण शामिल होता है। छठवां, संचित निधि पर भारित व्यय। पहला, राष्ट्रपति की परिलब्धियां। दूसरा, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का वेतन व भत्ते। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। चौथा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पांचवा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन भत्ते। छठवा, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज और उनकी अदायगी व्यय भारित होंगे। संचित निधि पर भारित व्यय के लिए लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखते हैं अनुदान मांग क्या कहलाती है। अनुदान मांग अनुच्छेद 113 में वर्णित है।
वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल भारत की संचित निधि से किए जाने वाले तथा लोकसभा की स्वीकृति के लिए अपेक्षित व्यय के अनुमानों को अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान मांगे लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें किसी नई सेवा, नई योजना, कंपनी उपक्रम का निरूपण शामिल है। राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान, ऋण व अग्रिम शामिल है। आइए देखते हैं वित्त विधेयक क्या है। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद 110 एक की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने, बदलने या विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें बजट संबंधी अन्य उपबंध भी शामिल होते हैं, जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है कि वित्त विधेयक एक धन विधेयक है। आइए देखते हैं FRBM अधिनियम विवरण क्या है। वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के विवरण सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केंद्र सरकार व राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान भी शामिल होते हैं। दूसरा, मध्यावधि राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण। मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बाजार मूल्यों पर 6 विशेष राजकोषीय संकेतकों अर्थात राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, कर घाटा, कर भिन्न राजस्व और केंद्र सरकार का ऋण शामिल होता है। इस विवरण में अंतर्निहित पूर्वानुमानों, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरंतरता का मूल्यांकन और अर्जक अस्थियों के लिए सजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं अंतरिम बजट 2019-20 के मुख्य प्रावधान क्या थे। अंतरिम बजट 2019-20 को 1 फरवरी 2019 को पेश किया गया। पहला, न्यू इंडिया 2022। 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इसके तहत कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। ऐसा भारत जो स्वच्छ और स्वस्थ हो, सबके पास अपना घर व शौचालय हो, पानी व बिजली की उपलब्धता हो, किसानों की आमदनी दोगुनी हो, युवा वर्ग व महिलाओं के पास अवसर हो, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत हो। दूसरा, 5 वर्षों के दौरान हासिल की गई GDP विकास दर 1991 के बाद सबसे अधिक वृद्धि दर रही है। तीसरा, औसत मुद्रास्फीति 4.6% है। चौथा, राजकोषीय घाटा 2018-19 में 3.4% है, जो GDP का 2.5% है। पांचवा, पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में $229 बिलियन तक का विदेशी निवेश हुआ है। छठवा, संरचनात्मक सुधारों में GST मुख्य रूप से शामिल है। सातवा, बैंकिंग सुधार और शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों का बकाया ऋण लगभग 52 लाख करोड़ हो गया। बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गई जो या तो पूरी नहीं की गई या उनके उपयोग की क्षमता कम थी, जिसके फलस्वरूप वे ऋण चुकाने में असमर्थ रहे। इस स्थिति में सुधार के लिए पहचान, समाधान, पुनः पूंजीकरण और सुधारों का अनुसरण किया गया। स्वच्छ बैंकिंग सुनिश्चित करने, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता ने समाधान तंत्र विकसित किया जो अनर्जक ऋणों की वसूली में सहायता कर रहा है। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की स्थिति बहाल करने के लिए 2.6 लाख करोड़ का निवेश करके पुनः पूंजीकरण किया गया। बैंकों का एकीकरण भी किया गया ताकि किफायती विधियां अपनाने पूंजी तक बेहतर पहुंच का लाभ उठाया जा सके। आठवां, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बेनामी संव्यवहार अधिनियम 1988 तथा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 उन अपराधियों की परिसंपत्तियों को जब्त करने व निपटाने में सहायता करेगा जो देश के न्यायाधिकार से बच निकलते हैं। नौवां, वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छता हेतु भारत ने 98% ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल किया और घोषित 5.45 लाख गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। दसवां, गरीबी और पिछड़े वर्ग हेतु प्रावधान। गरीबों के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का आवंटन। इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाई तथा 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए। विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आवश्यक दवाइयां, कार्डियक स्टेंट और घुटनों के इम्प्लांट की कीमत में कटौती, जन औषधि केंद्रों के द्वारा कम मूल्यों पर दवाई की उपलब्धता कराना है। वर्तमान में देश में 21 एम्स कार्यरत है। 22वां एम्स हरियाणा में खोलने की घोषणा की गई है। 11वां, किसानों की उन्नति व आय वृद्धि संबंधी प्रावधान। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया गया। छोटे व सीमांत किसानों को निश्चित आय मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई। इस योजना में 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले भूस्वामी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 12 करोड़ छोटे किसान लाभान्वित होंगे। पीएम किसान योजना हेतु 2019-20 के लिए 75,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गौ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने और गायों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस आयोग की स्थापना की जाएगी। भारत विश्व में द्वितीय सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6.3% है। इस सेक्टर पर ध्यान देने के लिए मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की गई। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में 2% ब्याज सब्सिडी को बढ़ाकर 3% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। 12वां, मजदूरों व कामगारों के लिए किए गए प्रावधान। तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था और औपचारीकरण से 2 वर्षों में लगभग 2 करोड़ रोजगार अवसरों की वृद्धि हुई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14% किया गया। श्रमिकों के बोनस को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया गया। ESI की सुरक्षा पात्रता सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह किया गया। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर EPFO द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सुनिश्चित की गई। आंगनबाड़ी व आशा योजनाओं के कर्मियों के मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना। असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों के लिए, जो रिक्शा चालक, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, कृषि कामगार, हथकरघा जैसे व्यवसायों में संलग्न हैं, को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु की गई। इसके कुछ नियम हैं, जैसे मासिक आय 15,000 रुपये हो या उससे कम हो, 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, 29 वर्ष की आयु में इस कार्यक्रम से जुड़ने वालों को 100 रुपये प्रति माह अंशदान करना होगा, साथ ही 18 वर्ष की आयु में जुड़ने वालों को 55 रुपये प्रति माह अंशदान करना होगा। विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदायों को सूचीबद्ध करने व उन तक कल्याणकारी विकास कार्यक्रमों में शामिल करने हेतु नीति आयोग ने एक समिति का गठन किया। इसके पहले रेड़के आयोग व इदाते आयोग ने इन्हें सूचीबद्ध करने का प्रशंसनीय कार्य किया था। 13वां, महिला प्रेरित विकास हेतु प्रावधान। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ LPG कनेक्शन मुफ्त बांटने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है। 14वां, युवा वर्ग के सशक्तिकरण हेतु प्रावधान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवा सशक्तिकरण हेतु प्रयास किए गए। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। हम इस तरह के टॉपिक भविष्य में भी लाते रहेंगे। निर्माण IAS YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।